ये हिजड़ों का बहुत जुलम हो जा रहा हमारे बच्चों पे। इसका नाम रियाज है, अंदर ऐसे वाले का, और एक है यूसुफ है इसका नाम, एक का नाम शहबाज है। ये लोगों की 10-15 जनों की गैंग है। ये लोग बहुत जुलम कर दे रहे हमारे बच्चों पे, और पुलिस से हमारा इंसाफ होना नहीं हुआ तो बात अच्छी नहीं रहती। देखो क्या, अब पुलिस को हम यही चाह रहे कि पुलिस अच्छा काम करके हमारे को देना, हमारा बच्चा अब चले गया, बच्चा तो हमारा नहीं आता। ये लोगों का बहुत जुलम हो जा रहा, ये जुलम को रोकना। इससे पहले भी बच्चे को जला के मारे, वो भी खामोश बैठ गए, सोहेल नाम था उसका, वो भी खामोश बैठ गए। हमारे एरिए में ये वो हिजड़ों का बहुत जुलम चल रहा, बच्चों को टॉर्चर कर रहे, हरासमेंट कर रही, पैसों की लालच डाल रही, हर चीज़ कर रही, गोलियाँ दे रही, घर पे आ रही, घर पे आके तमाचे कर रही, 10-15 जने। इन लोगों का एक गुरु है यूसुफ बोल के, उन्हें मेन है, उसको उठाना, उन लोगों की कार्रवाई पूरी करना। हम पुलिस से यही चाह रहे कि तेलंगाना से ये चाह रहे तेलंगाना हुकूमत से कि बच्चे पे सख्त से एक्शन लेना और बच्चे को इंसाफ मिलना। ये पूरे ये जो हिजड़ों की टीम है बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, सो है इतनी ज़्यादा हो गई, हर तरफ ये हिजड़े हो गए। और जो कम उम्र बच्चे हैं ख़ास तौर पे, वो लोग को ये लोग टारगेट बना रहे हैं। इससे पहले भी एक 4 दिन पहले या 7 दिन पहले वहाँ पर और एक केस हुआ था, वही प्राणापुल के एरिया के अंदर एक बच्चे को जला के मार दिए थे। तो ये लोग को अगर पकड़ के पुलिस वाले सज़ा नहीं देंगे, हुकूमत अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगी, तो ये आने वाले वक्त में और ज़्यादा होने वाला है। लाजम ना हिजड़े मारे होंगे उनको जब लेके गए हुए हैं, रोज़ की सवारी है, कुछ अनबन हुई नहीं भी अल्लाह मालूम, मगर 100% ये भरोसा है कि उन लोगों का ही मारे सो है। अब वहाँ पर उन लोगों का ही कुछ हाथ हो सकता, मगर वहाँ पर कोई एक ही जना है जो कि पीएस में टांग पे टांग डाल के आराम से बैठे हुआ है अंदर, मोबाइल भी यूज़ कर रहा, समझे, और उन्हें मोबाइल यूज़ कर रहा। हम पुलिस वालों को बोले तो उन्होंने बोले 2 दिन का हमको टाइम दियो, हम जितना है इससे पूरा उगलाते, जो है हम आपके सामने रखते बोल के बोले। अभी फिलहाल हम लोग उस्मानिया आए हुए हैं, यहाँ पर हमको अभी डेड बॉडी मिली नहीं बच्चे की, बस उसकी फिक्र में लगे हुए हैं। बस एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि अब हमारा बच्चा तो आ नहीं सकता, मगर कई नौजवान बच्चे ऐसे हैं जो कि ये शिकंजे से बच सकते, तो ये लोग को कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड से लेके पूरा ये एरिया जितना ओल्ड सिटी है शाही नगर तक, ये पूरा इन लोगों का राज है। आपको भरोसा नहीं है, मैं खुद ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं बिल्कुल रात में गाड़ी, रात में दिन में चलाते, हम खुद देख रहे हैं ये चीज़ों को, जहाँ देखो वहाँ ठहरे हुए हैं, पंजा गुट्टे पे है, हर तरफ ये लोग की है। तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं साहब, आप लोग देखिए पेट्रोलिंग करते, ठीक है, तो वो लोग को क्यों नहीं पकड़ रहे आखिर उन लोगों से क्या आमदनी है किसको भी। सिर्फ यहाँ पर पूरे बच्चे, न्यू जनरेशन पूरी तबाह ताराज हो रही, तो हमारा यही मुकाबला है कि भाई आप वो लोग को बंद कराइए, उठा के कचरा पूरा बाहर फेंक दीजिए, बस यही है। मेरा नाम मोहम्मद साद हुसैन है। जैसा कि हमारे भाई का कुछ मर्डर वर्डर करे सो है जलपल्ली में से, कई झिर्रे से ले के आए उनको, ऑटो में बिठा के, कुछ किन्नर्स के सवारी वगैरह थे, उन ऑटो चलाते थे, तो जा रहे थे तो कुछ रोक के करके, वो पहले से चलता था अच्छा दुल्लों का, मतलब सवारियां करते थे उनके लोग, तो बुलाए करते, लेके आए करते यहाँ जलपल्ली में, कुछ 4-5 दिन हुआ करते घर लेके, वो किन्नर बुला के करके कुछ पिए खाए, उनको पिला दिए कर दिए करके, कुछ ऐसे वैसे भी थे उनके जेबक में से निकाल के करके, वो रूम में कहीं ले गए कहते कहीं तालाब में खुद जा रहे हैं, बोले अंदर पीएस में पूछे तो किन्नर को पूछे कर ली, वहाँ मस्त बैठे हुआ नहीं, कुछ भी अफसोस नहीं है उसको, बच्चा तो हम लोग का चले गया, अफसोस हम लोगों को है, घर पे पूरे परेशान, घर पे क्या बीतरी, माँ बाप पे क्या बीतरी, वो हम लोगों को मालूम, जान जवान बच्चा हमारा 20-22 साल का बच्चा था, तो बेफजली के क्या है जवान बच्चों को टारगेट करके किन्नर से सोगा इन लोगों को, जवान बच्चों को वो कर रहे, अच्छा खासा बच्चा वही बच्चा चल गया, नहीं शादी वादी कुछ भी नहीं हुई भाई, बच्ची देख रहे कर रहे थे, अब बहन की शादी करे बाद में, 22 साल के थे भाई, 22-23 चल रहा था, रनिंग था ये, शादी वादी के अब बच्चियाँ देख रहे कर रहे थे, लेकिन क्या ऐसा हादसा हो गया हमारे घर में। कब से था ये रिलेशनशिप? अब पूछे तो हम लोग वहाँ बोल रहे कि 6 महीने से कुछ बातचीत करते थे, करा रहे थे, बच्चा ऐसा ये शौकों में न था भाई, किन्नरों के शौकों में न था, ये बच्चे को टारगेट करके ले गया ऐसे लोग, इससे पहले भी बस्ती में कुछ हुआ देसा ऐसी हुआ था। हम लोगों को 4 बजे रात को पीएस से फोन आ गया कि बच्चा, पहले तो बोले बच्चा सीरियस है, ऐसा ऐसा मारम पीटी हुई करी बोल के बोले, तो हमारा चीजारा भाई जैसे माँ आया, अरे बच्चे को फोन आया, तो यहाँ पर आए बाद में बोल रहे हैं कि अरे ऐसा हुआ नहीं, हादसा हो गया, बच्चे का डेड हो गया, उस्मानिया को निकाल के भिजा दिए गए थे। अब पुलिस वालों से पूछे तो पुलिस वाले बोल रहे हैं हम लोग बात।